हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम यू बैक इन अनदर वीडियो एंड टॉपिक इज़ मराइन इंजीनियरिंग सो फ्रेंड्स इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कि मरीन इंजीनियर कैसे बनते हैं क्या एलिजिबिलिटी है कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं क्या इसकी फीस होगी और कोर्स कंप्लीशन के बाद क्या आपकी जॉब होगी किस पोस्ट पर आप जाएंगे और क्या आपकी सैलरी होगी एंड ऑल्सो जो लेटरल एंट्री है बी टैक मराइन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स सिप में तीन डिपार्टमेंट होते हैं इंजन डैक गैली सो so, इस वीडियो में इंजन डिपार्टमेंट कंप्लीट कवर हो जाएगा कि मरीन इंजीनियर कैसे बना जाता है कौन कौन से प्रोसेस से आप मरीन इंजीनियर बन सकते हैं लाइक जी रेटिंग जी डायरेक्ट मरीन इंजीनियरिंग करके फोर ईयर का सो so, पूरी इस वीडियो में कवर करेंगे सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो

लेटरल एंट्री लेटरल एंट्री से आप मरीन इंजीनियरिंग करें थर्ड मैकेनिकल या फिर नवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करने के बाद आप जी कोर्स करें सो स्टेप बाय स्टेप तीनों को और करता हूँ फर्स्ट आई मू आपने अगर जस्ट ट्वेल्थ किए ट्वेल्थ में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एवरेज मोर देन सिक्सटी परसेंट होने चाहिए एंड इंग्लिश में आपके टेंथ या ट्वेल्थ में मोर देन फिफ्टी परसेंट होने चाहिए सो so, आप आई म्यू एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं आई एमयू सी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है ट्वेल्थ के बाद सो आप वो दें उसमें अपेयर हो फिर आपको जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगी एंड फ्रेंड्स बीटेक मराइन इंजीनियरिंग में स्पॉन्सरशिप नहीं होती सो आपको कैंपस प्लेसमेंट ही लेना है सो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें आपका प्लेसमेंट होगा अच्छी कंपनीज आपको रिक्रूट करेंगी अगर आपको आईमयू सी एग्जाम के बारे में डिटेल जानना है क्या सिलेबस है क्या एग्जाम होता है कैसे होता है आई आई एन पे क्लिक करें और कंप्लीट वीडियो देखें सो आई एम सेकेंड फ्रेंड्स लेटरल एंट्री जो कि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है लेटरल एंट्री को मैं फोर पार्ट्स में डिवाइड करूंगा कर आप, आप एडमिशन ले सकते हैं आपने फर्स्ट ईयर एक इंस्टीट्यूट में किया सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आप अलग इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं तो आप अपना जो कॉलेज है वो चेंज कर सकते हैं आपको पता चला कि आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैंपस का अच्छा नहीं है तो आप जो अपना कॉलेज है वो फर्स्ट ईयर के बाद चेंज कर सकते हैं कंडीशन है ये मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पे अप्लीकेबल नहीं होता नाउ बी अगर आप बी टेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से तो आप उस कॉलेज से आप डायरेक्ट मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं बट कंडीशन कि आपके फर्स्ट ईयर में मोर देन 60 परसेंट मार्क्स होने चाहिए एंड आपका uh, जो कॉलेज है प्रीवियस कॉलेज ए आई अप्रूव्ड होना चाहिए तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड थर्ड फ्रेंड्स अगर आपने थ्री ईयर का डिप्लोमा कम्प्लीट किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल फ्रॉम ए आई सी टी अप्रूव इंस्टीट्यूट और आपके अगर फाइनल ईयर में एग्रीगेड फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स हैं तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं मतलब थ्री ईयर डिप्लोमा के बाद आप सेकेंड ईयर मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं एंड फ्रेंड्स डी अगर आपने फोर ईयर डिप्लोमा कर रखा है सिव बिल्डिंग इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए आई सी टी अप्रूव इंस्टीट्यूट और स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन एंड एग्रीगेट मार्क्स आपके ग्रेटर देन फिफ्टी फाइव परसेंट होने चाहिए फाइनल ईयर में तो आप सेकेंड ईयर बी टेक मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं फोर पार्ट से जिससे आप लेटरल एंट्री से बी टेक मरीन इंजीनियरिंग चार साल का कोर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स मैंने चार पॉइंट ये बताए ए बी सी डी इनमें एक चीज और एप्लीकेबल होती है टेंथ या फिर ट्वेल्थ या फिर डिप्लोमा इनमें आपके किसी भी एक मोर देन फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में सेकंड आपका जो बोर्ड है मस्ट बी रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड फ्रेंड्स इंग्लिश मार्क्स में फाइव परसेंट रिलेक्शन है वो आर नेटिव ऑफ लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार एंड उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उसी आइसलैंड से बिलोंग होने चाहिए सो so, आपको इंग्लिश में फाइव परसेंट मार्क्स का क्लेक्शिएशन मिलेगा एंड फ्रेंड्स थर्ड आप कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर ईयर की कंप्लीट करने के बाद आप जी कोर्स करें ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स उसके बाद आप सेम पोस्ट पे जाएंगे जो आप मरीन इंजीनियरिंग करके जा रहे हैं और जी एम कोर्स करके जा रहे हैं दोनों में सेम पोस्ट पे जाएंगे आप एज आ टी एम ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप फिजिकली फ़िट होने चाहिए आपका वेट मोर देन फोर्टी एट हाइट ग्रेटर देन वन फिफ्टी सेंटीमीटर एंड मेडिकली आप फिट होने चाहिए एज पर डिजीज नोम कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए

पच्चीस लाख तक वेरी कर सकता है जैसे गणपति यूनिवर्सिटी की फीस है अप्रोक्स जिससे मैं पास आउट हूँ थर्टीन लैक सिक्सटी थाउजेंड राइट नाउ मे बी फ्यूचर में इनक्रीज हो सकती है तोलानी की अबाउट ट्वेंटी लैक है सो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट फीस वेरी करती है नेक्स्ट आपको कौन से इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहिए फ्रेंड्स राइट नाउ आउट ऑफ दिस थर्टी वन इंस्टीट्यूट में आपको एक ही इंस्टीट्यूट रिकमेंड करूँगा जो कि है तोलानी मेरी इंस्टीट्यूट अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है आपको उस कॉलेज में हो सके तो एडमिशन ले ट्राई करें उसमें नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट मोस्ट अवेटेड पार्ट आपने मरीन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली चार चार्स आपका हो गया या फिर आपकी जीएमई भी कंप्लीट हो गई जो आप करें तो आप जाएंगे सिप पे एज अ टीएम और फिफ्थ इंजीनियर ट्रेनी मरीन इंजीनियर मैं आपकी सैलरी बता देता हूँ कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है फिफ्थ इंजीनियर टू चीफ इंजीनियर आपका ग्राफ सैलरी वाइज कैसे होगा टीएमई की सैलरी होती है 300 हंड्रेड यूएसडी टू सिक्स हंड्रेड फिफ्टी यूएसडी मीन्स इंडियन रुपीज ट्वेंटी टू के टू फोर्टी के आपका एक एम यू क्लास फोर का एग्जाम होगा उसके बाद आप प्रमोट होंगे फोर्थ इंजीनियर सो फोर्थ इंजीनियर की सैलरी क्या होगी थाउजेंड यू एस डी टू थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड यू एस डी मीन्स इंडियन रुपीज सेवेंटी फाइव के टू टू पॉइंट एट लैक मीन्स जो सैलरी है आपकी सिप पे वैरी करेगी कंपनी पे वैरी करेगी अच्छी कंपनी है ऑयल टैंकर है केमिकल टैंकर है गैस टैंकर है सैलरी मैक्सिमम होगी सो so, कंपनी एंड दोनों पे आपकी सैलरी वेरी करती है इसलिए मैं आपको एक रेंज बता रहा हूं नाउ फोर्थ इंजीनियर के बाद एट हंड्रेड यूएसटी टू फाइव थाउजेंड यूएसटी मीन इंडियन रुपीज टू पॉइंट एट लैक टू थ्री पॉइंट सेवन लैक थर्ड इंजीनियर के बाद आपका एग्जाम होता है 2 का, उसके बाद आप बनते हैं सेकंड इंजीनियर सेकंड इंजीनियर की सैलरी होगी 5,000 USD to 12,500 USD means 3.7 lakh to 9.3 lakh. उसके बाद ME class one exam होगा, अब Chief Engineer बन जाएं। Engine department का head होता है Chief Engineer। उसकी salary क्या होगी? 12,500 USD to 15,000 USD means in Indian rupees 9.3 lakh to 12 lakh, और maybe इससे ज्यादा हो सकती है, depends upon company and vessel. So friends. ये था सैलरी का सो so फ्रेंड्स वीडियो को रैपअप करते हैं शॉर्ट आप मरीन इंजीनियर बन सकते हैं या तो आप जीपी रेटिंग करें जीपी रेटिंग करके बाद 36 मंथ का सेलिंग करें उसके बाद आप जो कि बहुत स्लो प्रोसेस आपका जो प्रमोशन ग्राफ है स्लो होगा सेकंड आप मरीन इंजीनियरिंग करें चार साल की ट्वेल्थ के बाद आई मेक श्योर कि आप अच्छे कॉलेज से करें तभी आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा क्योंकि इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं होता लाइक डीएनएस ओके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके प्लेसमेंट लेके आप जा सकते हैं एज आ टी एम फिर सिक्स मंथ के बाद आप क्लास फोर के एलिजिबल होंगे ऑफिसर रैंक के लिए एलिजिबल होंगे एंड थर्ड इज फ्रॉम जी एम आप चार साल का मैकेनिकल करें एक साल का ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग करें एज आ टी एम फिर आप करें डिपेंड्स ऑन यू आप किस स्टेज पे हैं आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा इंजन साइड में जाने के लिए मरीन इंजीनियर बनने के लिए अगर अभी भी कोई डाउट है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कमेंट बॉक्स आपके लिए है कमेंट करें आई विल रिप्लाई डीएम और इंस्टाग्राम अगर कोई क्वेरी है मरीन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पर मैसेज करें श्योरली आई विल रिप्लाई और फ्रेंड्स ये जो प्ले है ये कंप्लीट मरीन इंजीनियरिंग की ही प्ले है तो ये प्ले अगर आप देखेंगे डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा इसमें सारे वीडियो मरीन इंजीनियरिंग कोर्स के रिगार्डिंग है वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स